हे एवरीवन, द वाचर शो के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन और ईस्टर एग्स पे बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सुपर हीरो कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। सबसे पहले बात करते हैं वांडा की। मूवी के लास्ट टाइम में हमने वांडा को माउंट वुडागर पर डार्क होल्ड वाले टेम्पल को नष्ट करते देखा, जो कॉमिक्स का एक बड़ा कॉल बैक है, जिसमें स्कारलेट विच के ओरिजिन स्टोरी को स्टैब्लिश किया। माउंट वुडागर का मंदिर किथॉन ने बनाया था, बाद में टेम्पल के दीवारों से मंत्रों और स्मोक को बुक में लिखकर उस बुक को डार्क होल्ड नाम दिया गया। अगर कॉमिक्स का रेफरेंस लिया जाए तो किथॉन गॉड ऑफ केओस था, जिसने वांडा को पैदा होने पे केओस मैजिक दिया था, और ये उन एशियंट एल्डर्स गॉड में से है जिसको बहुत पहले मेन डायमेंशन से निकाल दिया था और वापस आने के लिए वांडा का यूज करता था। वैसे चिथॉन भी उन कैरेक्टर में से है जो मल्टीवर्स को कॉन्करर करना चाहते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ थोड़ा समझते हैं। डार्क होल्ड में एक ऐसा मंत्र भी है जिसको परफॉर्म करने से हम अल्टरनेट रियलिटी को भी देख सकते हैं और अपने रूप को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने वांडा को अर्थ 838 की वांडा को कंट्रोल करते हुए देखा और अपने स्ट्रेंज को मरे हुए डिफेंडर स्ट्रेंज के शरीर को कंट्रोल करते हुए देखा, और इसी पावर से चिथॉन वांडा के थ्रू अलग अलग रियलिटी और अर्थ को कंट्रोल करता है। और लास्ट में वांडा ने हर एक रियलिटी से डार्क होल्ड बुक को पूरे ढंग से मिटा दिया और जो टेम्पल था उसको भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। रूमर कुछ ऐसे भी आ रहे हैं कि वांडा विजन की सोलो मूवी आएगी, लेकिन इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला। लेकिन बाकी और रियलिटी में वो टेंपल अभी भी है जिसमें वो सारे मंत्र और रस्म लिखे हुए हैं, उनके बारे में केवल सॉसरम सुप्रीम ही जानते हैं। वैसे देखा जाए तो ये मूवी स्कारलेट विच के ओरिजिन स्टोरी को एस्टैब्लिश करती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अर्थ 616 में वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास केओस मैजिक की पावर है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर और भी ज्यादा पावरफुल और भी बड़े थ्रेट के लिए तैयार है। वांडा और केओस मैजिक से हटकर अब बात कर लेते हैं अमेरिका चेविस की। मूवी के एंडिंग में अमेरिका चेविस को कामर ताज में देखते हैं, जहां उसको सॉसरर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है और स्लिंग रिंग के जरिए वो पोर्टल खोलने की कोशिश कर रही है, जो पहली डॉक्टर स्ट्रेंज का कॉल बैक है, जहां अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने हमें नए कैरेक्टर अमेरिका चेविस को इंट्रोड्यूस किया है और इस कैरेक्टर की आर्क को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया है। और मूवी के एंड तक अमेरिका चेविस अपनी पावर को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाती है और आगे ये कैरेक्टर यंग एवेंजर का हिस्सा बनेगी। आगे डॉक्टर स्ट्रेंज की वॉन्ग से थोड़ी कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क सेंटम आ जाते हैं और अपनी घड़ी को ठीक करते हैं जो क्रिस्टीन ने उनको दी थी। इसी वॉच का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने अर्थ 838 के इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर के बेसमेंट में बुक ऑफ वैशांति की ओर जाने वाला रास्ता खोला था। वॉच को ठीक करना एक तरह का रेफरेंस दिया जा रहा है कि टाइम और रियलिटी को फिक्स कर दिया गया है, लेकिन मूवी में जो हो रहा है उन कांडों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अल्टरनेट रियलिटी और ज्यादा उलझ गई है। इनसे इनकर्जन का खतरा भी बढ़ गया है, और जो सीधा एग्जाम्पल है सीक्रेट वॉर का। अगर आपको सीक्रेट वॉर के बारे में नहीं पता तो मैं आपके लिए इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। चलो अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के माथे की आंख के बारे में। चलो बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के थर्ड आई के बारे में। एंडिंग में हम डॉक्टर स्ट्रेंज के थर्ड आई ओपन वाले सीन को देखते हैं, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, पीछे कुछ म्यूजिक प्ले होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पेन से चिल्लाते हुए सड़क के बीचों बीच अचानक से उनकी थर्ड आई खुल जाती है। और ऐसा इसलिए हो रहा है, डॉक्टर स्ट्रेंज ने केओस मैजिक का यूज किया था डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी पर ड्रीम वॉक करने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज से हटकर हम बात करते हैं चार्लिस थेरोन की, जो उनकी होने वाली वाइफ है। पोस्ट क्रेडिट सीन में चार्लिस थेरोन को एज ए क्ला इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। क्ला डार्क डायमेंशन की सॉर्सरर है और डोरमामू की भांजी है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगने आई है और अपने ड्रेगर से डार्क डायमेंशन की रियलिटी को चीरा मार के खोल रही है और डॉक्टर स्ट्रेंज को इनकर्जन के बारे में बोलती है, हमारा यूनिवर्स इनकर्जन की ओर बढ़ रहा है और हम दोनों को इसको फिक्स करना है। ये बोलते हुए दोनों डार्क डायमेंशन में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ सवाल खड़े होते हैं, क्या मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के मेन यूनिवर्स 616 पर इनकर्जन स्टार्ट हो गया है? मुझे लगता है इसका जवाब है हाँ, लेकिन अभी ये यूनिवर्स के डायमेंशन लेवल पर ही हो रहा है। इसका मतलब कोई भी दूसरा अल्टरनेट यूनिवर्स अर्थ 616 के यूनिवर्स के इतना पास आ गया है जहाँ दोनों यूनिवर्स के अल्टरनेट डायमेंशंस आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कि हर एक यूनिवर्स के कोने में कुछ ऐसे अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, कुछ ऐसे रास्ते भी होते हैं जिनके बारे में केवल सॉर्सरर सुप्रीम को ही पता रहता है। और इसलिए क्लिया डॉक्टर स्ट्रेन से इनकर्जन को फिक्स करने के लिए उसके पास आई है, जिसको सीक्रेट वॉर की कॉमिक्स टाइम रन्स आउट स्टोरी लाइन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और वैसे मार्वल ने अपने आने वाली मूवी सीक्रेट वॉर्स के लिए एक प्लॉट सेट कर ही दिया है, जहां दो यूनिवर्स इतने पास आ जाते हैं कि इनकर्जन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम हर एक सुपर हीरो के अलग अलग वेरियंट, अल्टरनेट डायमेंशन, अल्टरनेट टाइमलाइन, अल्टरनेट यूनिवर्स को देखेंगे, साथ ही साथ अलग अलग सुपर हीरो की स्टोरी के ओरिजिन को भी समझेंगे। तो वह लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।